अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। और इस वीडियो में हम JF-17 थंडर के TVC यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की रूमर्स के बारे में बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से UN में एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और लास्टली पाकिस्तान की टर्की और मलेशिया के साथ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कुछ वीडियोस और तस्वीर सरफेस कर रही थी कि JF-17 में TVC का इजाफा किया गया है यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का, जो कि फेक न्यूज़ निकली है। और जो वीडियोस निकल के सामने आई थी वो सिर्फ RC मॉडल्स थे यानी रिमोट कंट्रोल मॉडल्स। लेकिन इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि JF-17 में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसकी एयर फ्रेम लिमिटेशन है। JF-17 की जी लिमिट मैक्सिमम प्लस 8.5 G की है, तो TVC की प्लस 9 और उससे अबव की जी लिमिट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, इस TVC यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के अपने भी कुछ फॉल्ट्स होते हैं। ये किसी भी जहाज़ को एक्स्ट्रा मैन्यूवरेबल तो बना सकता है, लेकिन किसी भी जेट की सर्विस लाइफ इससे काफ़ी नेगेटिव हो सकती है यानी उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए ये आमतौर पर डुअल जेट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। और J-10B की मिसाल भी आपके सामने है। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इसका सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो हमें इसके स्ट्रक्चर के चेंजेस के हवाले से कुछ न्यूज़ सामने आ रही है, और ऐसा मुमकिन है कि इसके स्ट्रक्चर को प्लस 9 के हवाले से ही शेप किया जा रहा हो। दूसरा, इसके इंजन को भी चेंज करने की बात सामने आ रही है, जिसमें WS-10 जो है एक काफ़ी बड़ा कंटेंडर है, जो कि मैंने बताया कि J-10B में भी TVC यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा दूसरा कंटेंडर जो है वो RD-33MK है, जिसमें भी TVC की ऑप्शन मौजूद होती है या कस्टमाइज कैपेबिलिटी मौजूद होती है। तो ब्लॉक 3 के अंदर इस किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है। हैविंग सेड दैट, ब्लॉक 3 के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हमेशा शेप अप नहीं होती, तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना होगा। खैर, ये एक ऑप्शन तो ज़रूर मौजूद है, जिसके बारे में देखना होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसको परसू करती है कि नहीं। पाकिस्तान की कश्मीर से रिलेटेड इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ी डिप्लोमेटिक फतह देखने को मिली है, और 10 साल से ज़्यादा अरसे के बाद यूरोपियन यूनियन ने कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली एक इवेंट अरेंज किया है, जहां पाकिस्तान के इंडियन ऑक्यूपाइड में होने वाले जुल्म और बर्बरियत के कंसर्न्स को डिस्कस किया गया है। स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन की सब कमेटी है जो ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी के हवाले से बात करती है। इस कमेटी के हेड एंटोनियो पंजेरी ने इस चीज़ को बताया है कि UN के अंदर कश्मीर सबसे ज़्यादा तवील पेंडिंग केस है, और इसके अंदर क्रिस्टीन चंग की भी राय ली गई, जिन्होंने कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट में काम किया था जो कि इस इवेंट में सबमिट कराई गई थी। उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बहुत बुरे हालात के बारे में बताया, और इस हवाले से कश्मीर के हकूक के लिए एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन भी दी है। इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि ये सिर्फ एक रेगुलर केस नहीं था, बल्कि बहुत से यूरोपियन यूनियन के मेंबर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, थिंक टैंक्स, डिप्लोमेट्स और दीगर जो रिलेटेड लोग हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ने ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट को बैक किया और फौरी तौर पे कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उनको रोकने का कहा। इसके अलावा इसके हल को भी पीसफुल तरीके से सॉल्व करने का कहा। पाकिस्तान के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। पाकिस्तान इस मसले को हमेशा हाईलाइट करता रहता है, लेकिन जब तक फ्रीक्वेंटली तौर पर दुनिया भी इस मामले पर इंडिया पर दबाव नहीं बढ़ाएगी, तब तक ऐसे जुल्म जारी रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 10 साल से ज़्यादा अरसे के बाद एक इवेंट हुआ है, तो इससे हमारा केस मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान नेवी ने मलेशिया के साथ और टर्की के साथ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की हैं। मलेशिया के साथ मालपैक 2 और टर्की के साथ टर्गेट्रीज 3 के नाम से एक्सरसाइज जारी थी। पहले मलेशिया की एक्सरसाइज पर बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारी PNS अजबद ने शिरकत की, और सी फेज़ के अंदर C-2C और C-2A टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन भी इस ड्रिल में शामिल थे। ये एक्सरसाइज चूँकि अमन 2019 नेवल एक्सरसाइज के बाद कंडक्ट की जा रही है, तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और मलेशिया के डिफेंस टाइज को मज़ीद मजबूत बनाएगी। इसके अलावा टर्की की नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात कर लें, तो इसमें हमारी PNS असलद और PNS आलमगीर ने शिरकत की। उसके अलावा हमारी एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी इसमें शिरकत की, और इस एक्सरसाइज के अंदर वॉर टैक्टिक्स और मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया। इसके अलावा काउंटर पायरेसी ड्रिल्स भी मुनक्किद की गई,
टर्की की जानिब से कोक्सीडा ने इसमें शिरकत की जो कि उनकी अमन 2019 की एक्सरसाइज से ही यहां पे मौजूद है। ये बात याद रहे कि दोनों ड्रिल्स उस वक्त परफॉर्म की जा रही हैं जब से एक महीने बाद मलेशिया के सदर डॉक्टर महातिर मोहम्मद और टर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का पाकिस्तान का दौरा मतवक्के है। और इस हवाले से ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि दोनों लीडर्स जो हैं वो 23 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी नेवल एक्सरसाइज से हमारे डिफेंस टाइज मजीद मजबूत होंगे और ये दोनों ममालिक ही हमारे बहुत अहम अलाय हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।